जम्मू कश्मीर ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਨਤਾਜ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ अजे सिर्फ 39 दिन का है। मनदीप सिंह के घर कुछ दिन पहला ही खुशियां आईया सी अते 16 अक्टूबर नू मनदीप सिंह का जन्मदिन सी। इस मौके जानकारी देते हुए चचेरे भरा गुरमुख सिंह ते पिंड वासी गुरविंदर सिंह ने कहा कि मनदीप सिंह एक बहुत वधिया फुटबाल अते बास्केटबाल का प्लेयर सी। सानू माण है कि मनदीप सिंह ने देश लई अपनी जान कुर्बान की है। उन्होंने दस्सिया कि कुछ दिन पहला ही मनदीप सिंह का फोन आया सी ते खुश सी। उस दौरान मनदीप सिंह ने वीडियो कॉल राही भी गल की सी ते मनदीप एक पहाड़ी उत्ते चढ़िया होया सी। उन्होंने कहा कि मनदीप सिंह का भरा जगरूप सिंह फौज विच है ते एक भरा दोहा कतर विच है। दस्सिया कि मनदीप सिंह जो भी पिंड आउंदा जां फिर फोन करदा तां कहिंदा रहिंदा सी कि साडे पिंड शहीद दे नां दा कोई भी गेट नहीं है। इस मौके शहीद मनदीप सिंह दी माता मनजीत कौर ने कहा कि भावें मेरा पुत्र दुनिया तों चला गया है लेकिन मैनू उसकी शहादत उत्ते बहुत माण है। पंजाब टीवली लवप्रीत सिंह खुशीपुर की रिपोर्ट। मेरा पुत्र हुण नहीं मैनू मिलना, दिल दा टुकड़ा छोटे बच्चिया वाला शेद देश लई शहीदी पा गया जे। हुण उहदे वास्ते तुसीं करियो कुछ। इस तरह की शहादत बड़ी माण दी गल्ल हुंदी कि किसे नूं माण होना चाहिए। माण आ मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते सीधी पा के गया। देखो जी, साडा चचेरा भरा सी वो मनदीप ते नहीं आ सकता, पर जो उन्हें देश प्रति एक माण वाली गल की है, परिवार लई की है, इस पिंड लई की है, जां मैं कहना इस पंजाब जां इस हिंदुस्तान लई की है, वो एक विलखणता है। जो मैं समझदा वा कि कोई हर मतलब कि इंसान दे विच नहीं हुंदी, वो अक्सर ही जिदा मेरे भाई साहब ने तुहानू पहला भी दस्या, मेरे ब्रदर भी 2 आर्मी च सी ते उन्होंने एक ना काफ़ी प्यार सी ते उन्हों अक्सर गल्लां करदा रहिंदा सी, कहिंदा यार असीं सारे फौज चों साडे मेरे डैडी भी करके आए जां होर भी इत्थों पिंड चों काफ़ी ने, पर अज तक साडा ना किसे दा शहीदी गेट नहीं लगा। तो उन्होंने इस चीज़ में नज़रअंदाजा करी देना, जिदा मेरे वड्डे वीर साहब ने कहा कि उहदे अंदरों जिदा अकाल पुरख जां वाहिगुरु सच्चे पातशाह ही गल करवा रहा सी कि भाई तेरा बनाउणा। अज तों 3 दिन पहला मेरा चेहरा भरा दूसरा वो कहिंदा मैं फोन किया इहनूं, इहने उह पहाड़ियां दे उपर किते अपने फौज दे नाल मतलब कि गश्त कर रहा सी, उत्थे बैठ के वीडियो कॉल कर रहा सी कि यार जदों मैं पिंड जांदा ते तुसीं कई वार कहिंदे हो कि चलो आओ यार बहिंदे आ इकट्ठे, तो आंदा बहना कोई सौखा नहीं, आ वेखो यार मैं तुहानू इस पहाड़ी तो उस पहाड़ी ते खड़ना तो फिर मैं तुहाडे नाल बहना। तो वो इस गल नूं मुड़ के बाद कहिंदा कि तू यार कल्ला जां होर तां नहीं नाले। शहादत की सूचना अज सवेर तो ही तकरीबन सोशल मीडिया के वट्सएप से उन्होंने यार दोस्तों तो आ रही थी, पुख्ता नहीं सी हो रही थी। हूँ फिर असी उसे एक उन्होंने सूबेदार से उन्होंने मेरी गल हुई शाम को, कहता जी हाँ जी गल तो कन्फर्म है कि बड़ी उन्होंने बड़ी माण वाली गल आ। तो परिवार देखो वह इस महीने के 16-10 डेट ऑफ बर्थ है, कल वो बच्चे का निके का मतलब 1.25 महीने का हो रहा है, तो 2 बेटे एक मतलब 2 बेटे ने, वो पत्नी है, उसकी माता जी है, उन्होंने फादर साहब थोड़ा चिर पहले एक्सपायर हो गई थी, तो छोटा ब्रदर कतर है, वड्डा भरा भी उसका फौज के सेवा निभा रहा वा, वह भी गंगानगर तो वह भी आ रहा वा। चलो परिवार को तो नहीं गया आप मतलब कि वो चीज़ मनदीप तो नहीं लिया के दे सकते, पर जो उसने इस परिवार लिए माण दिता वो माण तो बहुत बड़ी माण वड्डी वाली गल आ। ब्रदर छोटा अपना जी चाचा जी का बेटा सी मनदीप सिंह जी, जी जी जी, और ये चंद दिन पहले ही कोई 4-5 दिन पहले ही ये छुट्टी कट के गए ने, दुख भरी खबर उन्होंने सुनने मिल गई दोपहर टाइम से लगभग। बहुत एक वधिया स्पोर्ट्समैन सी, जज्बी वाला एक बच्चा सीगा, जो कि सर्विस लगभग 10 साल हुई है, हुण महीना पहले एदा बेटा होया है, एक बेटा 4 साल का है,
ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ। ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ।